बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है। कंगना सिर्फ अपने अभिनय के लिए ही नहीं बल्कि अपने बेबाक विचार साझा करने के लिए भी जानी जाती है। कई बार उनके ये विचार काफी विवादित भी साबित हो जाते हैं। बीते साल पंगा गर्ल बॉलीवुड की मशहूर और दिग्गज अभिनेत्री उर्मिला मंदोटकर को पॉर्न स्टार बोल दिया था, जिसके बाद कंगना की बॉलीवुड में कई सितारों ने आलोचना की। इसमें मशहूर निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा भी थे। अब हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने कंगना के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी। निर्देशक ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी फिल्मों के साथ साथ उर्मिला मंदोटकर पर कंगना के बयान को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, इस तरह के कंगना के बयान ने मुझे काफी परेशान किया था। अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को होनी चाहिए, लेकिन यह आक्रामक नहीं होनी चाहिए। कंगना उर्मिला मंदोटकर को लेकर क्या सोचती है, यह उनका नजरिया है। मैं इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक निर्देशक के तौर पर मैं उर्मिला और उनके शानदार कामों को जानता हूं और मुझे पता है कि वह एक शानदार कलाकार है। पिछले साल एक इंटरव्यू में कंगना ने उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न अभिनेत्री कह दिया था। कंगना ने कहा था, मुझे स्वयं पर विश्वास है कि मैंने जीवन के साथ समझौता नहीं किया। मेरे इर्द गिर्द जो दबाव था, मैं उसके आगे झुकी नहीं हूँ। मुझे टिकट के लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। वह मेरे संघर्षों का मजाक बना रही है। वह खुद एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार है, अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं जानी जाती। कंगना के इस बयान के बाद जहां एक तरफ लोगों ने उनका समर्थन किया तो वहीं कहीं लोग उनके विरोध में आ गए। बता दें कि उर्मिला मंदोटकर ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला, सत्या और भूत सहित कई फिल्मों में काम किया। ऐसे में निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने एक टीवी चैनल को दिए कंगना के इंटरव्यू को शेयर करते हुए लिखा, मैं किसी के साथ गलत शब्दों के मामले में बराबरी नहीं करूंगा, लेकिन मैं मानता हूं कि उर्मिला मंदोटकर ने रंगीला, सत्या, कौन, भूत और एक हसीना थी जैसी फिल्मों में विविधतापूर्ण जटिल भूमिका निभाकर अपने वर्सेटाइल प्रतिभा को साबित किया।